जय श्री राम। मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राजमिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। किस प्रकार व्यतीत होगा नवंबर 2023 आपके लिए, क्या है खास, किस दिन क्या होने वाला है नवंबर में आपके साथ, और दीपावली पर मानस ज्योतिष संस्थान के द्वारा क्या खास आपको दिया जा रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, सावधानी और ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले सिंह राशि के लिए, आपके राशि स्वामी सूर्य थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, नीचस्थ होकर के शुरू में 16 तारीख को फोर्थ में जाएंगे। बुध मंगल आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, केतु और शुक्र आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, शनि आपके सेवंथ हाउस में, राहु आपके एट्थ और बृहस्पति आपके नाइन्थ हाउस में गोचर करेंगे। स्टार्टिंग किस प्रकार होगी आपके लिए, वो पहले तीन दिन, एक तारीख, दो तारीख और तीन तारीख को क्या होने वाला है आपके साथ। तो एक, दो और तीन को नवंबर में, डेट दोबारा नोट कर लीजिए प्लीज, एक तारीख, दो तारीख और तीन तारीख को आपके लिए लाभ होने वाला है, धन का लाभ होने वाला है, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। होगा, कहीं आपने पैसा दे रखा था, प्राप्त हो जाएगा, कुछ काम करेंगे उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको, अर्थ का लाभ, कहीं से भी धन का लाभ हो, इन दिनों में आपके साथ जरूर होने वाला है। साथ में इन दिनों में प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात होने वाली है, प्यार होने वाला है किसी से, संतान को लेकर के शुभ समाचार होने वाला है, लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा इत्यादि से भी पैसा आता हुआ दिख रहा है इन दिनों में। तो अर्थ का लाभ इन तीन दिनों में बहुत शानदार, एक, दो और तीन नवंबर खास दिख रहा है साहब। लेकिन वहीं जब चार, पाँच, छः को जाऊंगा तो कहूंगा हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे भाई, स्वास्थ्य ढीला रहेगा, सावधान रहिएगा। लेकिन विदेश यात्रा का जो संयोग है वो इस दिन में जरूर बनता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा इन दिनों में आपके लिए जरूर हो सकती है, सो विदेश यात्रा का संयोग इन दिनों में आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहे, मन परेशान रहे, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपके लिए दिखती है। और क्या खास होने वाला है और किस तारीख को होने वाला है, अगर हम बात करते हैं कि और क्या खास होने वाला है, किस तारीख को आपके साथ होने वाला है, 7-8 को कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, जीवन को लेकर के कुछ नई योजनाएं आपके लिए जरूर बनने वाली है। 14 और 15 तारीख को वाहन से रिलेटेड कार्य आपके होने वाले हैं, ओके, घर खरीदने का काम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, जिससे आप चाहते हैं या चाहती हैं मुलाकात करना, जो दिल के बहुत करीब हैं या जिनसे, जिनकी साथ इच्छाएं हैं, या कुछ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आप चाहते हैं या चाहती हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कार्य बनेंगे, दिल से जिनको चाहते हैं उनसे मुलाकात होगी, वाहन बेचना या खरीदना चाहते हैं तो उसके योग बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का जो योग है वो योग आपके साथ बनने वाला है। तो ये दिन आपके लिए एक शानदार दिन रहने वाला है। ये है आपका 14 और 15, ध्यान रखिएगा। 16 और 17 तारीख को विद्या अध्ययन और उसके साथ संतान, मित्रता, विद्या अध्ययन में आपका मन लगेगा, संतान को लेकर के, जो विद्या अध्ययन को कहने का मीन्स मतलब इतना है कि आप विदेश विद्या अध्ययन को लेकर के ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करना, या इस दिन उससे रिलेटेड कोई शुभ समाचार प्राप्त होना, या इस दिन एडमिशन इत्यादि होना, ऐसा कुछ जरूर हो सकता है। विद्या अध्ययन के लिए आप पढ़ने बैठते हैं, आपका मन नहीं लगता है तो इस दिन आपका पढ़ने में मन लगेगा। साथ में आप किस कहीं एडमिशन वगैरह या कोई पेपर वगैरह है, कोई एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं या जा रही हैं तो उससे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। संतान को लेकर के इस दिन, जिन नव दंपत्ति को संतान की प्राप्ति करनी है, इस दिन आप मेडिकल कंसल्टेशन करते हैं या नेचुरली संतान का योग बन जाए, या संतान को लेकर के कुछ आप विचार करें संतान से रिलेटेड, या संतान को कुछ ऐसा बच्चे करें जिसको लेकर के आपके मन में प्रसन्नता रहे, तो संतान को लेकर के काफ़ी सारे शुभ समाचार आपको इस दिन प्राप्त होते दिख रहे हैं। विद्या अध्ययन, संतान, प्रेमी प्रेमिका, इस दिन और क्या इंपॉर्टेंट है, यानी आप किसी को चाहते हैं या चाहती हैं, या किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, या दोबारा उस रिलेशन को ठीक करना है, या आपके प्रेमी प्रेमिका ने, आपके फ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर रखा है, बातचीत नहीं कर रहे या नहीं कर रही, सो वो सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। मतलब इस दिन दोनों चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, यानी
हो सकता है कि आपके अच्छे रिलेशन बन जाएं, या हो सकता है कि इस दिन रिलेशन टूटे भी, तो रिलेशन में इस दिन बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। प्रेमी प्रेमिका से रिलेटेड भी चीज़ें इस दिन होने वाली हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से रिलेटेड भी कार्य इस दिन होने वाले हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं 20 और 21 तारीख को, इस दिन जीवन साथी से रिलेटेड कार्यों के लिए, एक तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव का भी इस दिन योग दिख रहा है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन जिनका विवाह इत्यादि नहीं हुआ है, उनके लिए नए प्रपोजल इत्यादि आए, विवाह को लेकर के बातचीत हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी इस दिन की बनती हुई आपके लिए दिख रही है। या जीवन साथी के जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो, इस प्रकार की कंडीशन है। साथ में 27 और 28 तारीख प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया लेकर के आएगा, बहुत प्रसन्नता देने वाला आएगा। आप सोचिए, मैं प्रत तारीख की बात करना चाहता हूँ, लेकिन समय बहुत ज़्यादा गवाही नहीं देता है। सो ऐसे कंडीशन में हमको कार्यक्रम को थोड़ा छोटा करना पड़ता है, लेकिन मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूँ। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं या जुड़ सकती हैं, अपने विषय में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। सिंपल सा प्रोसेस है दीपावली का, आपके लिए हम गणेश, लक्ष्मी और कुबेर तीनों को एक कंबाइंड एक विषा यंत्र तैयार कर रहे हैं। आप भी चाहते होंगे कि लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करें, कुबेर उस खजाने की सुरक्षा करें, और भगवान गणेश हमारे जीवन के विघ्नों को दूर करते चले जाएं। सो अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ, तो हम आपके लिए सुंदर भोजपत्र पर तीनों यंत्रों को तैयार करके, उसमें इन तीनों देवताओं की शक्ति को समाहित करके, इन तीनों देवताओं की आराधना करके आपको प्रदान कर रहे हैं। यदि आप भी अपने लिए गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, विषा यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको अपने धन की सुरक्षा ना करना पड़े, गणेश जी करें तो, और कुबेर जी करें, लक्ष्मी जी धन कृपा प्रदान करें, तो आप कॉल कर सकते हैं, अपने लिए इस यंत्र को दीपावली पर प्राप्त करके प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।